कुमुद, इससे रिश्ता हुआ है ना तेरा? भगवान भी देख परख कर जोड़ी बनाता है। इसके सर पे कितने भी पाप चढ़े या कितने भी मुसीबत आए, अगर तू साथ देगी ना तो सारे पार कर जाएगा। ही सच कुमुद, अगर तू बीच में ना होती ना तो मैं इसे अपने घर के बाहर भी खड़ा ना करती। इला बहन, इस गुनाह का सच तो समय आने पर ही बाहर आएगा। इला बहन, ये आपके लिए इतना कुछ कर रहा है बिना किसी मतलब के, सिर्फ आपकी मदद करने के लिए। ये पैसे रख लीजिए, बावजूद भी कोई सेल नहीं। जमाल साहब, बिजनेस में किस्मत ही तो सब कुछ नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ होती है। अब साथ नहीं दे रही तो क्या कर सकते हैं। एनीवेज, टेक केयर। तो कुमुद के नाम का बिजनेस और घाटे में गया? यस, हवेली गिरवी रख के पैसे उठाए थे। सोचा था धीरे धीरे बिजनेस डूब जाएगा और विद्या चतुर का घर भी, पर गुमान तूफान लाई है। एक ही बार में सब कुछ ले जाऊंगी। मान गए, अब तो तुझे इंडिया जाने की बड़ी जल्दी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बरसों का इंतजार अब रंग ला रहा है। सोचा नहीं था विद्या चतुर को बर्बाद करने का इतना बड़ा मौका मिलेगा। अब तो मैं इंडिया तभी जाऊंगी जब ये बिजनेस बंद करके हवेली बिक चुकी होगी। कहीं देर न हो जाए। यहाँ तो एक हवेली के पीछे पड़ी रहेगी और वहां कुमुद सरस को भी अपने नाम पे कर लेगी। लक्ष्मी नंदन की पूरी जायदाद का एक लौता वारिस। लक्ष्मी नंदन को दोनों में से एक को चुनना था, मैं या अपना घर। अगर यही नौबत सरस पे आ जाए तो सारे खड़े तुमने बेचे। हमने बेचे, अकेले ना तुम बेच पाते और ना मैं इस लायक नहीं हूं। और तुम्हारी कोशिश है। थैंक्स कहने का भी मौका नहीं देते ना तुम मुझे। जाना होगा। मैं कभी दुख नहीं देना चाहता था तुम्हें, हमेशा देते आया।
चोट पहुंचाता रहा। तुम चुपचाप सहती रहे। कैसे भूल गई मैं कि बिना देखे ना कर दी थी उसने जो आज भी ना ही। कैसे दे दिया ये अधिकार पहले माँ और बड़ी माँ को भरोसा देकर गई थी। सिर्फ उन्हें ही नहीं अपने आप से भी धोखा किया है मैंने। मैं सिर्फ उसी का साथ देने गई थी जो मेरे परिवार के लिए तकलीफ उठा रहा है। और कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे। और कोई रिश्ता नहीं। शाबाश। पूरा विश्वास था मुझे कि सफल होके लौटोगे दोनों ही। पर आते ही भगवान जी को धन्यवाद दे रही हो उसके लिए खास शाबाशी। सरस भी बहुत खुश होगा ना। दिक्री, मेरे लिए जीवन का यही मतलब है, हर हाल में अपने जीवन साथी का साथ निभाना। यही एक चीज है जो दो अनजान लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है जन्म भर, हमेशा के लिए।